জমুলে না লিখে দে। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। শহাদায়ে ক্রিকেট টুর্নামেন্ট একদম তোর যেসকা আজ কাঁটেদার ফাইনাল ম্যাচ চাঁদ হি লামাবাদ জিত আসি জি এলেভেন দম তোর আর ফ্রেন্ডস ক্রিকেট ক্লাব দম তোর কে দরমিয়ান জিত আসি জি এলেভেন নে টস জিত লিয়া হ্যায় और पहले बैटिंग का फैसला किया है। आठ ओवरों बाद में ये टूर्नामेंट ये मैच चंद ही लम्हों बाद स्टार्ट होगा। हमें लाइव जिन्होंने ज्वाइन किया उनका बहुत बहुत शुक्रिया। आज का लाइव मैच हैदराबाद क्रिकेट प्रमोटर जलाल साहेब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने कल का मैच भी लाइव दिखाया, आज भी आप लाइव दिखाएंगे, आपके तावन का बहुत बहुत शुक्रिया। के शनाई बाना हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अजमेर खान जदून साहब वेलकम। मैं प्रोफेसर शराफत खान साहब पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज जिनका ताल्लुक नरदुबा से है, वो हमारे स्कूल में आए हुए हैं, उनको हम वेलकम कहते हैं दिल की अता गहराइयों से। उनके साथ उमर खताब खान साहब सियासी और समाजी शख्सियत नरदुबा से ताल्लुक है उनका, उनको भी हम वेलकम कहते हैं। मास्टर तारा खान साहब इनका ताल्लुक भी नरदुबा से है, हम आपको वेलकम कहते हैं। हक नवाज साहेब आपको भी वेलकम कहते हैं। सदाबहार सोसाइटी क्या सकात इस ग्राउंड में मौजूद, उनको भी वेलकम कहते हैं। वेलकम जी। आज के हमारे मुअज्जज़ीन मेहमान प्रोफेसर शराफत खान साहब, हम आपको वेलकम कहते हैं। उमर खताब खान साहेब आपको भी हम वेलकम कहते हैं। मास्टर तारा खान साहेब आपको भी हम वेलकम कहते हैं। हक नवाज साहेब आपको भी हम वेलकम कहते हैं। हाजी सुल्तान साहेब डॉक्टर मुश्ताक खान साहेब आपको भी वेलकम कहते हैं। खालद खान जदून साहेब हम आपको भी वेलकम कहते हैं। बाला खान खेल वाला साकब अगर कहीं है तो वो स्टेज में तशरीफ लाए। मुदस्सर अलावा से गुजारिश के वो अपनी फील्ड सेट करें। अंपायर से गुजारिश है मैच स्टार्ट किया जाए। मैच स्टार्ट करो ओए। अंपायर से गुजारिश कि वो जल्द से जल्द मैच को शुरू करें। हमें फेसबुक जिन्होंने लाइव किया उनका बहुत बहुत शुक्रिया, हम वेलकम कहते हैं उनको। जीत आशी जी की जानब से तमाम आने वाले मुअज्जज़ मेहमानों को खुश आमदीद। नाज़रीन आपको बताते चले कल का सेमीफाइनल मैच था हमारा। एक प्लेयर सैफ रहमान जिन्होंने अपनी कमीज उतारी इस बॉल के साथ, तो किसी ने उसका मोबाइल वहां से निकाला है। काइंडली इस चीज से इमेज खराब होता है, अगर किसी भाई ने इस तरह की हरकत की है तो बराए मेहरबानी वो मोबाइल हमारे हवाले कर दें। अफजाल खान ने फोटो छिको जी। काशिफ खान आपने हमें लाइव ज्वाइन किया आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमजा
बजाज खान जदों वेलकम जी फ्रंट 11 मैदान में फील्ड के लिए तैयार हेलो 1 2 3 हेलो शौकत साहेब जो आज का मैच सुपरवाइज करेंगे उनके साथ है मुबशर बायनाज क्रिकेटर हैं हेलो 1 2 3 हेलो काशी कैंसर टेप चाय की चाय एक और टेप पाला दो ना तेरे को ट्रेन एकल जीडी घुमाई है कितनी मारी है तो चार वो ना बुलाया जो नमाज़ा से गेन किसान रिसीव करने हैं ट्रैक सा बोलो किसी एक सा दो दो तो सी रखो ना ठीक आज का मैच लाइव जलाल साहब के कैमरा से और जीत आशीष जी के कैमरा से विकेट के पीछे मौजूद जलाल साहब जो कवरेज करेंगे लाइव मैच की स्टेज पे मौजूद जीत आशीष जी जो लाइव मैच दिखा रहे हैं इस वक्त चंद पाकिस्तान नेवी की टीम आज के हमारे महज़्ज़ मेहमान हैं खुसूसी कमांडर पाकिस्तान नेवी अली असर खान जदौन साहेब जिनका तहल्लुक रजोइया से है चंद ही लम्हों बाद अपनी टीम के हमरा मकबरा ग्राउंड दमतोड़ में पहुंचने वाले हैं अंपायर से गुजारिश के मैच को जल्द से जल्द स्टार्ट किया जाए स्कोरर के सर अंजाम देंगे मुदस्सिर वजाद खान वो भी स्टेज पर मौजूद हैं माशाल्लाह हर मैच में आते हैं आतिशबाजी का मुजाहरा करेंगे वजाद खान हमारे महज़्ज़ साहिबान अपने मेहमान खसूसी को रिसीव करने के लिए मौजूद डॉल के टॉप पे टूर्नामेंट कमेटी की जानिब से विनर टीम के लिए 50,000 रुपए का इनाम और रनर अप टीम के लिए 20,000 रुपए का इनाम इसे चेक कर शोहदाए क्रिकेट टूर्नामेंट आज फाइनल मैच चंद ही लम्हों बाद शुरू होने वाला है जीत आशीष जी 11 ने टॉस जीत कर पहले बैटिंग का फैसला किया डॉक्टर बिलाल ओपनिंग करेंगे जीत आशीष जी 11 की तरफ से आज का खेल 8 ओवर पर मबनी होगा यार बाले दा नेम इना दे बैट्समैन ने नेम चाहिए ना जिदा मैन ऑफ द सीरीज मैन ऑफ द बॉक्स हो ही देना इथो आ चट्टे दे उथे लिख के ना कार्ड ले बैट्समैन मैन नेम और ये बॉलर नेम बता दिया करें स्कोर बोर्ड को अच्छा गाइस सेम नहीं आते अच्छा क्यों चंद ही लम्हों बाद डॉक्टर बिलाल और ये साथ फैजान बालर है फैजान बालर है ना रजाक बैटिंग पे नीचे कौन है डॉक्टर बिलाल और रजाक बैटिंग के लिए आए हैं जीत आशीष जी 11 की जानब से फ्रेंड्स 11 की जानब से फैजान बॉलिंग करेंगे
ये छोटे बच्चों से गुजारिश है ग्राउंड से साइड हो जाएं जल्दी। अरे आप आने वाले तमाम महज़ मेहमानों को खुश आमदीद कहते हैं मकबरा ग्राउंड दमतोड़ में, पहाड़ों के दामन में ये वाक्य ग्राउंड मकबरा ग्राउंड दमतोड़। फर्स्ट बॉल बेहतरीन बॉल फैजान की, बीट हुए डॉक्टर बिलाल। चांद ही लबाबाद आज के हमारे पाकिस्तान नेवी से, उनका तहलक कमांडर अली असगर खान जदून साहेब की गाड़ी हमारी आंखों के सामने मकबरा ग्राउंड दमतोड़ में एंटर हो चुकी है। हमारे मुहज्जज मेहमान खसूसी मकबरा ग्राउंड दमतोड़ में तशरीफ ला चुके हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। उनकी गाड़ी मकबरा ग्राउंड स्टेडियम में दाखिल हो चुकी है। आतिशबाजी के साथ उनका इस्तकबाल किया जा रहा है, ढोल की थाप पे उनका इस्तकबाल। आने वाले तमाम महज़्ज़ मेहमानों को खुश आमदीद कहते हैं। आज के हमारे महज़्ज़ मेहमान खसूसी पाकिस्तान नेवी कमांडर अली असगर खान जदून जिनका ताल्लुक रजौरिया से है, वो ग्राउंड में तशरीफ ला चुके हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर बिलाल फैजान ने बॉल दी और डॉक्टर बिलाल ने उमदा खेला, छह रन के लिए हवा में लहराती बॉल, छह रन के लिए। ग्राउंड से बाहर हो जाए काइंडली तमाम आने वाले महज़्ज़ मेहमानों को खुश आमदीद कहते हैं। कमांडर नेवी अली असगर खान जदून साहब वेलकम, लेफ्टिनेंट तसव्वुर इकबाल साहब पाकिस्तान नेवी आपको भी हम वेलकम कहते हैं, चीफ अनायत रहमान साहब आपको भी हम वेलकम कहते हैं, हनीफ साजिद अवरोज साहब आपको भी हम वेलकम कहते हैं। एक और बेहतरीन चौका डॉक्टर बिलाल का, एनआरओ ऑल स्टाफ हम आपको भी वेलकम कहते हैं। तमाम आने वाले महज़्ज़ मेहमानों को खुश आमदीद कहते हैं, वेलकम जी, जी आया दो। आज के हमारे महज़्ज़ मेहमान खसूसी खेल और खिलाड़ी से मोहब्बत करने वाले रजौरिया से, इनका ताल्लुक पाकिस्तान नेवी कमांडर अली असगर खान जदून। लो बॉल गुड चेक अंपायर। आने वाले तमाम महज़्ज़ मेहमानों को खुश आमदीद कहते हैं। महज़्ज़ीन इलाका ने अपने मेहमान खसूसी का इस्तकबाल किया। खालिद खान जदून साहेब, प्रोफेसर शराफत खान साहेब, उमर खताब साहेब, मास्टर तारा खान साहेब, हक नवाज साहेब, कैसर खान जदून साहेब, तारिश शाहिद साहेब, आपने महज़्ज़ मेहमान खसूसी को रिसीव किया। आज के हमारे महज़्ज़ मेहमान खसूसी पाकिस्तान नेवी से, उनका ताल्लुक कमांडर अली असगर खान जदून साहेब, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। पहाड़ों के दामन में वाकई मकबरा स्टेडियम दमतोड़, आपने कितना कीमती टाइम निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दिल की अदागिराइयों से हम आपको वेलकम कहते हैं। आनो जी हर कदे आओ, खेल और खिलाड़ी से मोहब्बत करने वाले कमांडर अली असगर खान जदून साहब आपके ग्राउंड में मौजूद। उमर तसव्वुर इकबाल साहेब, चीफ बनाकर मान साहेब, साजिद अमरोज साहेब, वेलकम टू नाउ। ये ताशी जी की जानब से आपको वेलकम, टूर्नामेंट कमेटी की जानब से आपको वेलकम कहते हैं।
आज इस मैच के मुहज्जज मेहमान खसूसी जिनका ताल्लुक पाकिस्तान नेवी से है, कमांडर अली असवर खान जतून साहेब, जिनका ताल्लुक रजौरिया से है, वही सकत ग्राउंड में पहुंच आए हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने कीमती टाइम निकाला। कैच आउट होने का खतरा और अंपायर का फैसला देखना पड़ेगा। 6 रन के लिए गॉड चेक लेफ्टिनेंट तसव्वुर इकबाल साहेब, अनीफ चीफ हदायतरमान साहेब। बेकारी शाह साहेब को माइक देता हूँ, वो चंद अल्फाज बयान करें। मैं आने वाले मोहतरम मेहमान ग्रामी कमांडर पाकिस्तान नेवी अफसर इंचार्ज पाकिस्तान नेवी रिक्रूटमेंट सेंटर अहमदाबाद, इनके साथ मोहतरम मेहमान चीफ नाजर रहमान साहब और चाचा यूनुस साहब और आसिफ साहब और दीगर मेहमानों को खुश आमदीद कहते हैं। इस ग्राउंड में और इस अदारा की धरती दम दौड़ ग्राउंड में सब मेहमानों को खुश आमदीद कहते हैं। वेलकम जी, वेलकम। शुक्रिया शाह साहब आपका। पहली इनिंग्स का पहला ओवर मुकम्मल। बीस रन बनाया जीत आशीष जी 11 ने। शोहदाए दम तोड़ क्रिकेट टूर्नामेंट का आज फाइनल मैच, जीत आशीष जी 11 और फ्रंट 11 दम तोड़ के दरमियान जारी। मैच का दूसरा ओवर शुरू। चंद ही लम्हों बाद थाना नवांशहर से एसएचओ साहब तशरीफ लाने वाले हैं। अमर शहजाद साहब चंद ही लम्हों बाद वो भी तशरीफ लाएंगे। बेहतरीन बॉल व्हाइट बॉल गो चेक। शोहदाए क्रिकेट टूर्नामेंट दम तोड़, इस टूर्नामेंट में 45 टीमों ने हिस्सा लिया और आज आपके सामने दो टाइगर टीमें फाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं। बेहतरीन खेल का मुजाहरा किया इन्होंने पूरे टूर्नामेंट में और मैं खराज तहसीन पेश करता हूं टूर्नामेंट कमेटी को, इन नौजवानों को जिन्होंने इस मुर्दा ग्राउंड को 6 साल से गैर आबाद, ये ग्राउंड जिसका काम अभी तक ना मुकम्मल है, इन्होंने अपनी मदद आप के तहत इस ग्राउंड को साफ किया और एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवाया और उसका आज ये फाइनल मैच। जीत आशीष जी 11 और फ्रंट 11 दम तोड़ के दरमियान जारी। एक उमदा शॉट 6 रन के लिए डॉक्टर बिलाल, क्रिकेट की दुनिया में एक नाम डॉक्टर बिलाल। आज के हमारे मुहज्जज मेहमान खसूसी पाकिस्तान नेवी से उनका ताल्लुक अली असगर खान जदून साहेब, लेफ्टिनेंट तसव्वुर इकबाल साहेब, चीफ अनातरमान साहेब, चीफ साजिद अमरोज साहेब, हम आपको वेलकम कहते हैं मकबरा ग्राउंड दम तोड़ में। व्हाइट बॉल मुहज्जज़ीन हलाका प्रोफेसर शराफत खान साहेब, उमर खताब साहेब, मास्टर तारा खान साहेब, हक नवाज साहेब और सदाबार सोसाइटी दम तोड़ एग्जेक्टिव पार्टी इस वक्त मकबरा ग्राउंड में मौजूद। दम दौड़ के मायानास डोल शनाई बाना वो भी इस ग्राउंड में मौजूद। कैमरा मैन यासीन लाइव मैच की कवरेज इस वक्त कर रहे हैं जलाल साहेब
और जीत आशी जी आतिशबाजी का मजारा किया वजाद खान ने। स्कोर मुदसर साहब, अंपायरिंग सर अंजाम दे रहे हैं शौकत साहब और मुबशर खान। मैच का दूसरा ओवर, 8 ओवर बारजे मबनी टूर्नामेंट, ये मैच उसका ये दूसरा ओवर जारी। जीत आशीष जी 11 ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया। डॉक्टर बिलाल और रजाक ने ओपनिंग कर रहे हैं जीत आशीष जी की 11 की जानब से। एक बेहतरीन बॉलर, नो बॉल, अवर, सॉरी अंपायर का इशारा हम समझ नहीं पाए। 2 ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका, 30 रन बनाया जीत आशीष जी 11 ने। फ्रेंड्स 11 के कप्तान मुदस्सर, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान नेवी से है, चीफ सालार खान जदून साहब का फुटबॉलर पाकिस्तान नेवी, वो भी ग्राउंड में पहुंचने वाले हैं, हम उनको वेलकम कहते हैं। उनके साथ जायद खान साहब का फुटबॉलर, उनको भी हम वेलकम कहते हैं। एक कांटेदार मैच, फाइनल मैच, फ्रेंड्स 11 दमतोड़ और जीत आशीष जी 11 दमतोड़ आमने सामने। तीसरे ओवर का खेल जारी, कदमों का इस्तेमाल किया डॉक्टर बिलाल ने। चीफ सालार खान जदून हम उनको वेलकम कहते हैं ग्राउंड में, उनके साथ जायद खान साहब का फुटबॉलर है, उनको भी हम वेलकम कहते हैं। दिल की अता गिरंगियों से उन्होंने कीमती वक्त निकाला, आपके बहुत बहुत शुक्रिया। आने वाले तमाम महज़ मेहमानों को खुश आमदीद कहते हैं बकरा स्टेडियम दमतोड़ में, पहाड़ों के दामन में ये वाकई ग्राउंड। वेलकम टू नाउ बाना टोच नाई, अपने महज़ मेहमानों को वेलकम कहते हैं। गौर लांगदार छक्का रिजवान की जानब से, रजाक की जानब से उम्दा छक्का। सालार खान जदून साहब का फुटबॉलर पाकिस्तान ने भी एक और लांगदार छक्का रजाक की जानब से। वेलकम टू नाउ हम आपको वेलकम जी आया दो, एक और शॉट खेल दिया, एक रन का इजाफा हो सकेगा। आने वाले तमाम तमाम आने वाले महज़ मेहमानों को खुश आमदीद कहते हैं। इस वक्त इस मैच से लुत्फ़अंदोज़ होने वाले पाकिस्तान नेवी इस वक्त स्टेज में मौजूद, हम उनको खराज तहसीन पेश करते हैं। महज़ मेहमान है खसूसी। 3 ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका, 46 रन जीत आशीष जी 11। डॉक्टर बिलाल और रजाक को ओपनिंग कर रहे हैं जीत आशीष जी 11 से।
फ्रेंड जिलावान सामने खराज तहसीन पेश करते हैं यासीन को, बेहतरीन फोटोग्राफर हैं। शोहदा क्रिकेट टूर्नामेंट दमतोड़ फर्स्ट का फाइनल मैच चीफ सालार जवेद जदून साहेब सबका फुटबॉलर पाकिस्तान नेवी, हम उनको वेलकम कहते हैं। आपने हमें कीमती वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी ये यादें हमें हमेशा याद रहेंगी। उनके साथ जायद खान साहेब सबका फुटबॉलर हैं आप, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपने टाइम निकाला। हम अपने मुअज्जज़ मेहमान खुसूसी को ये बताते चलें, शोहदा क्रिकेट टूर्नामेंट इसमें 45 टीमों ने हिस्सा लिया और आज इसका फाइनल मैच है और एक और दमदार छक्का। मैं शराफत खान जदून साहब से गुजारिश करूंगा कि वो हमारे मुअज्जज़ मेहमान खुसूसी कमांडर अली असर खान जदून साहब को रवायती पगड़ी पहनाएंगे। शराफत खान जदून साहब मुअज्जज़ मेहमान खुसूसी कमांडर की पाकिस्तान नेवी, अली असर खान जदून साहब को रवायती पगड़ी पहना रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जा, बेहतरीन फील्ड, बेहतरीन फील्ड का मजाक किया फ्रेंड्स इलेवन के फील्डर ने, दाद देनी उनका हक है। मेहमान खसूसी साहबान को बताता चलूं, ये शोहदा क्रिकेट टूर्नामेंट दमतोड़ इसमें 45 टीमों ने हिस्सा लिया और ये बेजान ग्राउंड थी 6 साल से वीरान ग्राउंड जिसका काम अभी तक नामुकम्मल है। मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ इन नौजवानों को, इन्होंने अपनी मदद आपके तहत ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवाया, एक लंबा टूर्नामेंट था और इसमें ये दो टीम, आपका एक नाम है, आपका तहल्लुक हमारे इलाके से है, रजोइया से, आप हमारा फखर है। अली असगर खान जदून साहब हम आपको एक बार फिर सलाम पेश करते हैं एलान दमतोड़ की जानब से, टूर्नामेंट कमेटी की जानब से कि आपने इतना कीमती वक्त हमें दिया। आपके दोस्त साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मुअज्जज़ीन इलाका से मौजूद प्रोफेसर शराफत खान साहब जिनका ताल्लुक नटुबा से है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उमर खताब साहेब, मास्टर तारक खान साहेब, सदा बहार वेलफेयर सोसाइटी दमतोड़ की एग्जेक्टिव पार्टी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हक नवाज साहेब, काजी शाहिद साहेब, काजी उसामा साहेब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने कीमती वक्त निकाला। कितने 4 ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका, 60 रन बनाया जीत आशीष जी इलेवन ने, बेहतरीन बॉल जीत आशीष जी इलेवन ने, टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया। दमतोड़ की सियासी और समाजी शख्सियत सबका नाजम दमतोड़ हाफज साजद खान साहब को हम खुश आमदीद कहते हैं। हाफज साजद साहब
वेलकम टू दमतौर ग्राउंड, पहाड़ों के दामन में ये वाकई ग्राउंड मकबरा ग्राउंड दमतौर, जो 6 साल से वीरान पड़ा था। मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ टूर्नामेंट कमेटी को, जिन्होंने टूर्नामेंट का रिकॉर्ड बाल 6 रन के लिए रजाक की जानब से लॉन्गर छक्का। साबक नाजम दमतौर हाफज साजद साहब हॉकी की दुनिया में एक नाम, साबका हॉकी के बेहतरीन प्लेयर थे कौमी सतह के हाफज साजद साहब, साबक नाजम दमतौर हैं, उनको हम वेलकम कहते हैं। उन्होंने बहुत अपनी मसरूफियात से टाइम निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये छोटे बच्चों से गुजारिश ग्राउंड से बाहर हो जाएं। अब्दुल्ला ये बच्चों से गुजारिश के ग्राउंड से बाहर हो जाएं। शुहदाए पहला शुहदाए दमतौर क्रिकेट टूर्नामेंट जिसका आज फाइनल मैच मकबरा ग्राउंड दमतौर से बराह रास्त हाफज साजद साहब जो के ग्राउंड में तशरीफ ला चुके हैं स्टेज पे, उनके साथ हाजी तशरीन साहब और अफ्ताब खान मोदी, उनको भी वेलकम कहते हैं। आने वाले तमाम महज़ मेहमानों को शायकीन क्रिकेट को खुश आमदीद कहते हैं। मैं ताई मशकूर हूँ हाफज वाजिद साहब का, सजाद खान साहब का, फैसल खान जदून साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाए ग्राउंड में। चंद ही लम्हों बाद थाना नवांशहर के SHO तशरीफ लाएंगे। आमर शहजाद साहब चंद ही लम्हों बाद इस ग्राउंड की जीनत बनेंगे। पांचवें ओवर का खेल जारी, आज की दो बेहतरीन टीमें जेताशेजी 11 दमतौर और फ्रंट 11 दमतौर के दरमियान मैच जारी। रजाक क्रिकेट की दुनिया में एक नाम, रजाक एक और लागत छक्का लगाया, बेहतरीन खेल पेश कर रहे हैं फ्रंट 11 के कप्तान मुदस्सर, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान नेवी से है। पांच ओवरों का खेल मुकम्मल हो चुका, 76 रन बनाए जेताशेजी 11 के बगैर किसी नुकसान के, एक बेहतरीन खेल जारी। डॉक्टर अमर, डॉक्टर बिलाल और रजाक बैटिंग पर मौजूद, नकाबले शिकास्त। ऐसा का स्टेज पे मौजूद पाकिस्तान नेवी की टीम कमांडर अली असर खान जदून साहब, आज के मैच के महज़ मेहमान खसूसी, उनके साथ तसव्वुर इकबाल साहब पाकिस्तान नेवी, अनायत रहमान साहब पाकिस्तान नेवी, साजिद अमरोज साहब पाकिस्तान नेवी, दमतौर के मायानाज डोल शनाई बाना SHO साहब को रिसीव करने के लिए जा रहे हैं। चांद ही लमाबाद थाना नवा शहर से SHO अहमद शहजाद साहब तशरीफ लाएंगे। तशवीर अहमद खान, अफ्ताह खान मुफ्ती, जुनेद खान मुअज्जज मेहमान को रिसीव करने के लिए जा रहे हैं। वकास एक खतरनाक बॉलर है फ्रंट 11 की जानब से, उतने ही खतरनाक बैट्समैन डॉक्टर बिलाल, क्रिकेट की दुनिया में एक नाम डॉक्टर बिलाल, जेताशेजी 11 की जानब से। कैच ड्रॉप किया खालबान कीपर ने, कैच ड्रॉप हुआ, अंपायर का फैसला हतमी होगा, जो भी दे दोनों टीमों को कबूल करना पड़ेगा। नॉट आउट, गॉट चेक, कौन
जल्द से जल्द खेल को मुकम्मल करने की कोशिश करें, टाइम जाया होने से बचाए दोनों टीमों से गुजारिश। गोट चेक अंपायर शौकत साहेब, मुबशर खान साहेब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शहदाए दमतौड़ क्रिकेट टूर्नामेंट दूसरा कैच ड्रॉप हुआ जो खतरनाक सब हो सकता है फ्रेंड्स इलेवन के लिए। डॉक्टर बिलाल दो चांस आपको मिल चुके हैं। पहाड़ों के दामन में वाकई मकबरा ग्राउंड दमतौड़ जिसका आज फाइनल मैच 45 टीमों ने इसमें हिस्सा लिया। ये दो टाइगर्स टीमें जो फाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं और आज फाइनल मैच मकबरा ग्राउंड दमतौड़ से बराह रास्त। कुमदा शॉट हवा में खेल दिया, खतरनाक साबित भी हो सकता है और कैच ड्रॉप हुआ चार रन के लिए। हमें लाइव फेसबुक पे ज्वाइन किया है काशिफ खान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तमोर खान साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वजात खान और दीगर जो हमारे नौजवान हमें बाहर की दुनिया से देख रहे हैं, हाजी समीउल्लाह खान साहब बहरीन से आपने हमें ज्वाइन किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। होल्ड ऑन बॉल बैठे सही तरह फिटनेस के हो सके। टेप 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 एक बेहतरीन खेल जा रहे खतरनाक बॉलर रज़ाक एक और हवा में खेल दिया है, फील्डर के लिए कोई मौका नहीं छह रन के लिए। ये था शिजी अलेवन की तरफ से रज़ाक का उमदा छक्का। शोहदा क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मैच एक बार रहती है। एक और उमदा शॉट लॉन्ग दार छक्का, कोई मौका नहीं फील्डर के लिए छह रन के लिए। छह ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका, 95 रन बनाया है जीता शिजी इलेवन ने। दो ओवरों का खेल बाकी, 95 रन, छह ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका। अभी तक ओपनिंग बैट्समैन बैटिंग कर रहे हैं डॉक्टर बिलाल और रज़ाक क्रीज पर मौजूद। फरहान अहमद अपने बैट्समैनों को पानी पिलाते हुए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुदस्सर अलेवन मुदस्सर 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 एक मिनट इधर गाल सुने आते हैं छे ओवर दे वाइंड अप करो तो क्या आते हो ठीक है बस दो ओवर है इस वक्त में मशीन मुदस्सर सात करके ना बस सात करके बस ठीक है आठ से ठीक है खैर इतना टाइम नहीं लगता जल्दी जल्दी करो अंपायर से गुजारिश जरा जल्दी करें टाइम की कमी है। अंपायर से गुजारिश के टाइम की कमी है। हम इंतहाई मशहूर हैं अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान खसूसी साहब का कि उन्होंने टाइम निकाला। आपसे गुजारिश सेकंड लास्ट ओवर है, 95 रन बनाए हैं जीता शिजी इलेवन ने छह ओवर में। सातवें ओवर का खेल जारी फ्रेंड्स इलेवन की जानब से बॉलर सामना करेंगे डॉक्टर बिलाल और वहां का नो बॉल। गॉट चेक चांद हिलाबाद एस एच ओ नवाज शहर तशरीफ लाएंगे
पाकिस्तान क्रिकेट टीम में अब्दुल रजाक थे लांगर छक्के आज जीता शी जी इलेवन में रजाक एक और लांगर छक्का आज का फाइनल मैच फ्रेंड्स इलेवन दमतोन और जीता शी जी इलेवन के दरमियान जारी। तमाम आने वाले मुअज्जज मेहमानों का शुक्रिया। एक और उमदा छक्का बेहतरीन छक्के लगा रहे हैं रजाक जीता शी जी इलेवन की जानब से। बहुत महंगे बॉलर साबित हो रहे हैं फ्रेंड्स इलेवन की जानब से। एस एच ओ नवशेद आमर हुसैन तशरीफ ला चुके हैं। हम आपको वेलकम कहते हैं दमतोड़ की ग्राउंड में खुश आमदीद। व्हाइट बॉल चार रन पांच रन बलादर खान शेख साहब आपकी मिस बैल आई है। यकीनन आप ग्राउंड में मौजूद हैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपने टाइम निकाला। दमतोड़ के सबक नाजम हाफज साजद साहेब इस वक्त स्टेज में मौजूद आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इनका एक जरूरी काम था लेकिन इन्होंने टाइम दिया। खेल और खिलाड़ी से मोहब्बत करते हैं ये। बहुत बहुत शुक्रिया हाफज साहेब आपका। टूर्नामेंट की बेहतरीन टीमें आमर शहजाद साहब एस एच ओ नवाशहर बकपरा ग्राउंड दमतोड़ में पहुंचाए हैं। हम आपको वेलकम कहते हैं आपने टाइम निकाला। व्हाइट बॉल व्हाइट है मुदस्सर साहेब यहां से नजर आ रही है सर वो सामने नजर आ रही है। थैंक यू बहुत ही मेगा अवर मुहज्जस मेहमान खसूसी साहेबान 115 रन जीता शी जी इलेवन। सातवें ओवर का खेल जारी। डॉक्टर बिलाल उमदा खेल दिया है और आउट आने का खतरा और ये कैच आउट। एक खतरनाक बैट्समैन थे डॉक्टर बिलाल आहार कैच आउट। बेहतरीन में खराज तहसीन पेश करता हूं इस बॉलर का इसकी हिम्मत को साथ देता हूं। एस एच ओ नवशर अमर शहजाद साहेब हम आपको वेलकम कहते हैं। वेलकम जी एस एच ओ साहेब आपका बहुत बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाए अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला। खालो खान जरूर साहेब टाइम दिया खेल और खिलाड़ी से मोहब्बत करने वाले वेलकम सर धन्यवाद जी। हम शुक्रिया अदा करते हैं एस एच ओ नवशहर अमर शहजाद साहब का और उनके साथ आने वाले मुअज्जज मेहमानों का जिन्होंने कीमती वक्त हमें दिया आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक और स्टेज पे शॉट अंपायर का इशारा छह रन के लिए। रजाक जो बाल को नीचे लगने ही नहीं देते एक बेहतरीन क्रिकेटर हैं। पांच बॉल हो चुके हैं। मुअज्जज मेहमान खुसूसी को बताते चले शहदाए दमतोड़ से मंसूब यह टूर्नामेंट इसमें 45 टीमों ने हिस्सा लिया और आज ये इस टूर्नामेंट की बेहतरीन टीमें अंपायर का फैसला हतमी होता है। बहरहाल
अंपायर का फैसला मोड़ के चाहिए यार, खैर कोई मसला नहीं। बेस्ट ऑफ लक मुदस्सर खान, बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल क्लोज था, अंपायर भी समझ नहीं पाए बाल को, वाइट बाल होना दे दी। बहरहाल शुक्रिया अदा करते हैं। आज का बेहतरीन फाइनल मैच इस टूर्नामेंट का जीता शिजी 11 और फ्रेंड्स 11 दमतौड़ के दरमियान जारी। सातवें ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका है तकरीबन। 126 रन बनाया जीता शिजी 11 ने, सात ओवर का खेल मुकम्मल। और पहले इनिंग्स का आखिरी ओवर है ये, आठ ओवरों पर मबनी ये अपना पहली इनिंग्स है जिसका ये आखिरी ओवर है। और आज के हमारे मुअज्जज़ मेहमान SHO नवांशहर अमर शहजाद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। मैं सलाम पेश करता हूं टूर्नामेंट कमेटी को जिन्होंने 6 साल से इस मुर्दा ग्राउंड को एक जान दी। आप इस ग्राउंड में मेहनत की, अपनी मदद आपके तहत उन्होंने ग्राउंड को साफ किया और इसमें टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवाया, नौजवानों को एक मौका दिया। और आज का क्राउड, उनको भी मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ कि आप लोग आप आए इस मैच को देखने के लिए, टाइम निकाला। आखिरी ओवर, रजाक खतरनाक बैट्समैन है, क्रिकेट की दुनिया में एक नाम रजाक। मुदस्सर खान जिनका ताल्लुक पाकिस्तान नेवी से है, फ्रेंड्स 11 के कैप्टन है, खुद बॉलिंग के लिए आए हैं, एक बेहतरीन ऑलराउंडर हैं ये। बैट्समैन का क्या नाम है? व्हाइट बॉल 4 रन के लिए। चलो अंपायर से गुजारिश के आपस में मशवरा कर लें, फैसला अपना वापस भी ले सकते हैं। मशवरा करके फैसला अपना वापस भी ले सकते हैं, कोई बात नहीं। चेंज कर के ना यार, केवे नहीं वाइट, 4 रन। अंपायर ने अपना फैसला वापस लिया है, हम दाद पेश करते हैं। शोहदा दमदौड़ क्रिकेट टूर्नामेंट और इसका फाइनल मैच फ्रेंड्स 11 और जीता शिजी 11 के दरमियान जारी। रन आउट, दो खिलाड़ी आउट जीता शिजी 11 के अभी तक हो चुके हैं। आखिरी ओवर का खेल जारी, एक 131 रन जीता शिजी 11 ने बनाए हैं। आखिरी ओवर का खेल जारी, दो खतरनाक टीमें आमने सामने, फ्रेंड्स 11 और जीता शिजी 11 आमने सामने। तमाम आने वाले मुअज्जज मेहमानों को खुश आमदीद कहते हैं। रजाक सामना करेंगे मुदस्सर खान का। एक और हवा में खेल दिया फील्डर के लिए, कोई मौका नहीं 6 रन के लिए। रजाक छक्कों के माए, रजाक गरीज पर मौजूद। जायद खान आपका बहुत बहुत शुक्रिया, पुलिस डिपार्टमेंट से आपका ताल्लुक है, एक बेहतरीन टीम आप लेके आए, बहुत बहुत शुक्रिया। आने वाले तमाम मुअज्जज मेहमानों को खुश आमदीद कहते हैं। शोहदाए दमतौड़ क्रिकेट टूर्नामेंट 45 टीमों ने हिस्सा लिया और 2 बेहतरीन टीमें आपके सामने फाइनल। ऑफ साइड पर खेल दिया है बैट्समैन ने, गुड फील्डिंग फ्रेंड्स 11 के फील्डर की, 2 रन का इजाफा हो सका। आने वाले तमाम मुअज्जज मेहमानों को खुश आमदीद कहते हैं मकबरा ग्राउंड दमतौड़ में। अली भाई,
मैं टूर्नामेंट कमेटी और जीजदाशी जी की जानब से SHO नवांशहर हम और शिजा साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो उन्होंने टाइम निकाला और वो पहुंचे मकबरा ग्राउंड तक दौड़ने। और रन आउट हुए अब्दुल रजाक, एक बेहतरीन खेल पेश करने के बाद रजाक आउट। एक सौ चालीस रन बनाए हैं जीताशी जी इलेवन ने 8 ओवर में, 141 रन का टारगेट दिया है फ्रेंड्स इलेवन को, 3 विकेट। जीताशी जी इलेवन मैदान में उतरते हुए झंडा पकड़ने का कौन सही जल्दी करो ताशी भाई मैच स्टार्ट करो। जीताशी जी अलावन की तरफ से रजाक जिसने बेहतरीन छक्के लगाए और
स्टेज पे बैठे हमारे एक्स नाजम हाफिज साजिद साहब ने उनके लिए 1,000 रुपए का नगद कैश इनाम रखा है। मैच के अख्तिताम पर रजाक साहब आप अपना 1,000 रुपया स्टेज से वसूल करना न भूलिएगा। हाफिज साजिद साहब सबक नाजम दम तोड़ जिन्होंने रजाक के लिए जी ताशी जी 11 से रजाक जिन्होंने छक्कों की बरसात लगाई उनके लिए 1,000 रुपए का कैश इनाम दिया है जो रजाक साहब आप मैच के एंड पर स्टेज से वसूल करें। मुबशर बैट्समैन ने 141 रन का टारगेट जे ताशी जी 11 ने दिया है। जी मोहसिन भाई आउट देता जी आउट है 141 का टारगेट है सर बात चलो जरा खैर है 141 रन का टारगेट फ्रांस जलेवान मैदान में अपना काम करो जरा नहीं जो वो करता रहने 141 रन फेसबुक पर ज्वाइन जो हमारे नौजवान हमें देख रहे हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमें इस वक्त लाइव जान कर रहे हैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शोहदाए दमतोड़ क्रिकेट टूर्नामेंट जिसका आज फाइनल मैच आमर लाहौरी आर राउंडर हैं ये जीत ताशी जी रावन की तरफ से बॉलिंग करेंगे आमर लाहौरी। हाँ से हमारे महज्जत मेहमान खसूसी कमांडर पाकिस्तान नेवी अली असगर खान जदून साहेब लेफ्टिनेंट तसवर इकबाल साहेब पाकिस्तान नेवी चीफ अनायत अरमान साहेब पाकिस्तान नेवी चीफ साजिद अमरोज साहेब पाकिस्तान नेवी चीफ सालार खान जदून साहेब सबका फुटबॉलर पाकिस्तान नेवी जायद खान साहेब सबका फुटबॉलर सदाबहार सोसाइटी दमतोड़ और SHO नवाशहर अमर शहजाद साहेब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बेहतरीन बॉल आज का कांटेदार फाइनल मैच जी ताशी जी 11 और फ्रंट 11 के दरमियान जारी 141 रन के ताकत में फ्रंट सेवन होमदा छक्का हवा में लहराती बॉल 6 रन के लिए एक बेहतरीन छक्का फ्रंट सेवन की जानिब से। आज का मैच लाइव जलाल साहब विकेट के पीछे से लाइव दिखा रहे हैं स्टेज पे मौजूद जी ताशी जी का कैमरा भी लाइव दिखा रहा है। एक और अंका छक्का हवा में लहराती बॉल बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रन के लिए आमर लाहौरी का दूसरा छक्का फ्रंट 11 के खतरनाक बैट्समैन के रेस पर मौजूद 141 रन के तहकब में आमर लाहौरी आए हैं। वेल बॉल दोनों टीमों से गुजारिश कि वो डिसिप्लिन का मुजाहरा करें अंपायर का फैसला हतमी फैसला होगा। मुबशर खान और शोकत साहब से गुजारिश इस सफर के बाद दोनों टीमों को लाइन अप करें टाइम की कमी है ताकि महज़ में माने खुसूसी का तारफ करवा के वाइट बॉल गुड चेक अंपायर का फैसला हतमी फैसला होता है गुड चेक वाइट बॉल आज का फाइनल मैच
जीत है जिलावन और फ्रंट जिलावन दम दौड़ के दरमियान जारी। आठ ओवरों में 141 रन का टारगेट किया जीत है जिलावन ने। फ्रंट्स इलेवन की टीम ताकों में गौर का शॉट, हवा में लहराती बॉल, बाउंड्री से बाहर, 6 रन के लिए। दोनों टीमों से गुजारिश, लाइन अप हो जाए जल्द से जल्द, दोनों टीमें लाइन अप हो जाए, दोनों टीमों से गुजारिश के वो लाइन अप हो जाए। दोनों टीमों से गुजारिश के वो लाइन अप हो जाए, दुआ भी की जाएगी, कौमी तराना भी होगा। मुदस्सिर अब्दुल्ला, मुदस्सिर कितने स्कोर? 19। एक ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका, 19 रन हैं फ्रंट्स इलेवन के, बेहतरीन स्कोर, एक ओवर 19 स्कोर। जल्द से जल्द लाइन अप हो जाए दोनों टीमें, टाइम की कमी है, आपसे गुजारिश कि लाइन अप हो जाए जल्द से जल्द, मुहज्जज मेहमान खुसूसी साहिबान का आपसे तारफ कराया जा सके। मैं गुजारिश करूंगा मुहज्जज मेहमान खुसूसी साहिबान से कि वो ग्राउंड की तरफ तशरीफ ले जाए। बाना ढोल चनाई, बाकी ढोल की क्या बात है, हम सलाम पेश करते हैं बाना आपको भी, बहुत मेहनत की आपने। SHO नवाज शहर साहेब, कमांडर पाकिस्तान ने भी अली असर खान जदून साहेब, तस्वर इकबाल साहेब, अनहतर खान साहेब, आतशबाजी का मजाहरा, मुहज्जज मेहमान खुसूसी अफराद के लिए अब्दुल्ला फूलों की बटे देते हुए, मुहज्जज मेहमान खुसूसी का तारफ करवाया जाएगा दोनों बेहतरीन टीमों के साथ। तमाशाइयों की एक बड़ी तादाद मौजूद, शायकीन क्रिकेट की बड़ी तादाद मौजूद इस वक्त बकरा ग्राउंड दम दौड़ में। कमांडर पाकिस्तान ने भी फूलों की बारिश की जा रही है, अली असर खान जतून साहेब, तस्वर इकबाल साहेब, अनाता रहमान साहेब, साजद अबरोज साहेब, चीफ सालार खान साहेब, जायद खान साहेब, SHO नवाशहर, आमिर शहजाद साहेब, सबक नाजम दमतो, हाफिज साजद साहेब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला और मुहज्जज़ीन हलाका अफजाल खान, काशी खान और हमारे मुहज्जज़ीन हलाका मुहज्जज़ मेहमान खुसूसी का तारफ करवाते हुए। फ्रंट्स इलेवन दम तोड़ और जीता शी जी इलेवन दम तोड़, हारने सामने फाइनल मैच, शाकीन क्रिकेट की बड़ी तादाद ग्राउंड में मौजूद। आने वाले तमाम मुहज्जज़ मेहमानों को हम वेलकम कहते हैं, आपका देव जी जी आया जो लाइन में खड़े रहे, तो हदाए दम तोड़ के लिए इज्तमाई दुआ होगी, उसके बाद कौमी तराना होगा। तमाम शायकीन क्रिकेट से गुजारिश कि जिस वक्त कौमी तराना हो तो सब हजार खड़े हो जाएं। टाइम की बहुत कमी है, उसके मद्देनजर हमने रखना है। कमांडर इन चीफ अली असर खान साहेब, SHO साहेब, मेंबर गुफ्तगू,
ग्रुप फोटो होगा। मैं कारी शाह साहब से गुजारिश करूंगा कि वो दुआ करवा दें शहदाए दम तोड़ के लिए। اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد و آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلی اللہ علیہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنت و فی الآخرت حسنت و قنا عذاب النار و قنا عذاب القبر و قنا عذاب الحشر و قنا عذاب الصخر و قنا عذاب المرض و قنا عذاب الجہنم و قنا عذاب الرزق و قنا عذاب الموت و قنا عذاب المیزان परवरदिगार आलम जितने भी मुसलमान इस फानी दुनिया से चले गए हैं तमाम की मगफरत फरमा, बिलखसूस ये दम तोड़ की धरती के जो नौजवान शहीद हो चुके हैं शहदा जिनके नाम पे ये आज टूर्नामेंट हो रहा है उनकी मगफरत फरमा, परवरदिगार आलम उनकी कब्र से लेकर जन्नत तक हर हर मंजिल को आसान फरमा। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरिल खल्क मुहम्मद व आलिहि व सहाबी अजमईन आमीन। तमाम हजरात से गुजारिश के कौमी तराना होगा, इत्रामन खड़े हो जाएं। टूर्नामेंट कमेटी से गुजारिश कि जल्द से जल्द फोटो सेशन का मरहला मुकम्मल किया जाए। ताकि टाइम की बहुत कमी है, एक ही ग्रुप में फोटो चलो बस चलो पीछे मुहज्जज मेहमान हज़रत साहब का दोनों टीमों के साथ ग्रुप फोटो मकबरा ग्राउंड दमदोर। ये आपको नौजवानों की याद दिलाती रहेगी मुहज्जज मेहमान हज़रत साहब। फ्रेंड्स इलेवन के साथ ग्रुप फोटो का सेशन मुकम्मल हुआ, अब जीत आशीष जी इलेवन के साथ ग्रुप फोटो मुहज्जज मेहमान हज़रत का जो बसों की याद दिलाती रहेगी। कमांडर इन चीफ पाकिस्तान नेवी अली असगर खान जदौन साहेब, एस एच ओ नवाशहर अमर शिया साहेब, लेफ्टिनेंट तसव्वुर इकबाल साहेब, चीफ अनायत रहमान साहेब, चीफ साजिद अमरोज साहेब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेहमान खसूसी के तारा के बाद हवा ग्राउंड में लहराता ये पाकिस्तान का पर्चा, आपका सलाम पेश करते हैं हामिद खान, पाकिस्तान का झंडा लहराते हुए हामिद खान। मुहज्जज मेहमान खसूसी को रिफ्रेशमेंट के लिए ले जाया जा रहा है। मेरी गुजारिश अंपायर से कि वो जल्द से जल्द खेल को शुरू करें, टाइम की बहुत कमी है। एक ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका, 19 रन बनाए हैं फ्रेंड्स इलेवन ने। इस टूर्नामेंट की बेहतरीन टीमें, इस टूर्नामेंट की बेहतरीन टीमें आपने सामने फ्रेंड्स इलेवन दमतोड़, जीत आशीष जी इलेवन दमतोड़। लेफ्ट हैंडर बैट्समैन दूसरी इनिंग्स का दूसरा ओवर, जीत आशीष जी इलेवन ने पहले बैटिंग करते हुए 141 रन का टारगेट दिया है।
White ball. Good check. White ball है. बताइयो भाई. बताइयो भाई. शोहदा क्रिकेट टूर्नामेंट फाइनल मैच शायकीन है क्रिकेट की बहुत बड़ी तादाद ग्राउंड में मौजूद. एक और उमदा शॉट 6 रन के लिए बेहतरीन छक्का. तो फ्रेंड्स इलेवन की जानव से इंतहाई खतरनाक बैट्समैन क्रीज पर मौजूद. बेहतरीन बॉल बीटरी बैट्समैन. लाइट की कमी आहिस्ता आहिस्ता हो रही है. बेहतरीन शॉट 6 रन के लिए हवा में लहराती बॉल 6 रन के लिए 141 रन के ताकत में बेहतरीन छक्कों के साथ आवाज फ्रेंड्स इलेवन का. दो खतरनाक बैट्समैन क्रीज पर मौजूद. इब्राहिम लेफ्ट हैंडर बैट्समैन है. बेहतरीन बॉल रज़ाक बॉल को फील्ड किया. दूसरे इनिंग्स दूसरे ओवर का खेल जारी. फ्रेंड्स इलेवन और जीत आशी जी इलेवन. अंपायरिंग सर अंजाम दे रहे हैं मुबशर खान, उनके साथ है शौकत. एक बेहतरीन फाइनल मैच उमदा शॉट 4 रन के लिए. एक बेहतरीन खेल आपके सामने जारी. छक्कों चौकों की बरसात जारी. शोहदाए क्रिकेट टूर्नामेंट का एक और उमदा शॉट हवा में लहराती बॉल 6 रन के लिए. फील्डर के लिए कोई मौका नहीं. दो ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका. 43 रन बनाए हैं फ्रेंड्स इलेवन ने. 131 स्कोर दो ओवरों में. इंतहाई महंगे बॉलर साबित हुए जीत आशी जी इलेवन के. कांटेदार मैच जारी. 43 दो ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका. 43 रन. शुक्रिया जनाब. टूर्नामेंट का फाइनल मैच आपके सामने जारी. एक दिलचस्प मरहले में दाखिल. आमर लाहौरी बॉलिंग के लिए आए हैं अपना 30 रन ओवर करवाने के लिए. आमर लाहौरी टाइम की कमी है. टाइम को मद्देनजर रखते हुए जल्द से जल्द खेल को मुकम्मल करने की कोशिश करें. और शॉट बॉल 6 रन के लिए बेहतरीन छक्का. छक्कों की बरसात जारी. फील्डर के लिए कोई मौका नहीं. प्राण और फील्डर मौजूद थे. कोई मौका नहीं 6 रन के लिए. लेफ्ट हैंडर बैट्समैन एक बेहतरीन बैट्समैन फ्रेंड्स इलेवन की जानिब से. एक रन के इजाफा. स्कोर प्लस हो यार चुप करो.
फ्रंट से लेवान और जीता शी जी लेवान सामने सामने आमर लाहौरी गुड फील्ड गुड रनिंग आज का कांटेदार फाइनल मैच शायकीन ने क्रिकेट की बहुत बड़ी तादाद स्टेडियम में मौजूद आने वाले तमाम मुअज्जज़ मेहमानों को खुश आमदीद कहते हैं मकरा स्टेडियम दमतोड़ में। तीन बॉलों का खेल हुआ है व्हाइट बॉल वाले तमाम मुअज्जज़ मेहमानों को खुश आमदीद कहते हैं। 14वां क्रिकेट टूर्नामेंट आखिरी मराइल पर फाइनल मैच आपके सामने जारी। जी ताशी जी 11 ने पहले बैटिंग करते हुए 141 रन का टारगेट दिया है और फ्रंट 11 की बेहतरीन हिकमत अमली जारी। तीसरे ओवर का खेल जारी। पहाड़ों के दामन में वाकई मकबरा ग्राउंड दमतोड़ शायकीन ने क्रिकेट से भरी और शायकीन ने क्रिकेट से हाथ मुस्कुराए और लांगर छक्का सीधा बैट से बॉल करती हुई हवा में लड़ाती बॉल 6 रन के लिए। हमें फेसबुक लाइव जिन्होंने ज्वाइन किया उनका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमें लाइव देख रहे हैं इस वक्त तमाम चाहने वालों को हम खुश आमदीद कहते हैं। लाइव मकबरा ग्राउंड दमतोड़ फ्रंट 11 और जीता शी जी 11 आमने सामने लाट की कमी हो रही है काइंडली जरा जल्दी करें टाइम की कमी है अंधेरा हो जाएगा यहाँ लाइट का कोई लेफ्ट हैंडर बैट्समैन है छक्कों के मायर ये बैट्समैन इस फाइनल मैच मकबरा ग्राउंड दमतोड़ से बराह रास्त लाइव हमने जिन्होंने ज्वाइन किया उनका बहुत बहुत शुक्रिया। चौथे ओवर का खेल जारी सरजाम देने शौकत तो उनके साथ है मुबशर खान ओ बेहतरीन बॉल हिट हुए बैट्समैन नाजरीन ना आपको बताते चले जीता शी जी 11 ने टॉस जीता पहले बैटिंग करने का फैसला किया कर रहा 8 ओवर में 141 रन का टारगेट दिया है उनके तहकब में फ्रंट 11 मौजूद क्रीज पर एक बेहतरीन खेल का मुजाहरा पेश कर रही है फ्रंट 11 की टीम टूर्नामेंट कमेटी की ये टीम है। चार ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका चौट रन बनाए हैं फ्रंट 11 ने एक अच्छा रन 4 ओवर में बनाया है फ्रंट 11 ने। हम सलाम पेश करते हैं नौजवानों को जो बेहतरीन खेल पेश कर रहे हैं शायकीन है क्रिकेट के लिए कांटेदार मैच 45 टीमों ने इस टूर्नामेंट में हिस्सा लिया और इन दो बेहतरीन टीमें आपके सामने जीता शी जी 11 और फ्रंट 11 4 रन के लिए बेहतरीन शॉट फील्डर के लिए कोई मौका नहीं 4 रन के लिए।
महज़ मेहमान है हजों से रिफ्रेशमेंट के बाद स्टेज की जनाब तशरीफ ला रहे हैं कमांडर अली असर खान चदोन साहेब, आप उनको वेलकम करते हैं। गुड शॉट, चार रन के लिए बेहतरीन शॉट। आज के हमारे महज़ मेहमान है हजों से कमांडर पाकिस्तान नेवी अली असर खान चदोन साहेब, लेफ्टिनेंट तसव्वुर इकबाल, चीफ मदत रहमान साहेब, चीफ साजिद अमरोज साहेब, एस एच ओ नवा शहर साहब, एक बेहतरीन छक्का, उमदा छक्का, हवा में लहराती बॉल, छह रन के लिए। एक बेहतरीन खेल आपके सामने जारी, रन इलेवन और जीता कीजिए इलेवन। एक बेहतरीन खेल जारी, बेहतरीन बॉल, लिटवी बैट्समैन, एक रन का इजाफा। शोहदा दमतौर क्रिकेट टूर्नामेंट, गेस का आज फाइनल मैच, एक बेहतरीन मुकाबला जारी, इंतहाई क्लोज ये मैच जाएगा और इंतहाई बेहतरीन खेल का मुजाहरा कर रहे हैं ये नौजवान दोनों टीमें। और ये कैच आउट होने का खतरा, और एक बेहतरीन कैच शफी, इंतहाई खतरनाक बैट्समैन थे फ्रेंड्स इलेवन की जानिब से लेफ्ट हैंडर बैट्समैन इब्राहिम, बेहतरीन छक्कों और चौकों की बरसात करके वापस लिए के जाना बर्बाद हुआ। एक बेहतरीन कैच लिया जीता शीजी इलेवन के शफीक ने, जिनका ताल्लुक डिस्ट्रिक्ट कैप्टनबाद बाड़ा काजी से था। बेहतरीन मैच, पांच बॉल, हम शुक्रिया अदा करते हैं मुहज्जज मेहमान खसूसी साहिब का, कमांडर अली असर खान जदोन पाकिस्तान नेवी, आपने टाइम निकाला, एक्स नाजम दमतोड़, हाफज साजिद साहिब, एस एच ओ नवाज शाह, आपने भी कीमती वक्त हमें दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जितने भी हमारे मेहमानों ने हमें कीमती वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कमेटी की जानब से बाय करॉन्स, पांच ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका, 80 रन बनाए हैं फ्रंट इलेवन ने, तीन ओवरों का खेल बाकी, तीन ओवर 18 बॉल और 61 रन दरकार हैं फ्रंट इलेवन को मैच जीतने के लिए। एक बेहतरीन क्लोज मैच, यही मैच होता है जो क्लोज जाए, 45 टीमों में से दो ये टाइगर्स टीमें, टाइम की कमी है, काइंडली वक्त जाया मत करें। डॉक्टर बिलाल साहब, टाइम की बहुत कमी है, बालर का नाम के उसामा जी आशी जी की तरफ से आए, जरा जल्दी करें, काइंडली टाइम की कमी है, हमारे महज़ मेहमानों के पास भी टाइम की कमी है, आपसे गुजारिश, हमसे ये गलती हुई, मैच को 6 ओवरों का करना था लेकिन हमने फाइनल होने की जरूरत में इसको 8 ओवरों तक महदूद किया। एक बेहतरीन टूर्नामेंट का मैच जारी, वाइट बॉल, गुड चेक मुबशर खान, शोहदाए दमतौड़ से मंसूर ये टूर्नामेंट और इसका आज आखिरी फाइनल मैच फ्रेंड्स इलेवन दमतौड़ और जीत आशीष जी इलेवन दमतौड़ के दरमियान जारी। एक और लांगर छक्का, टूर्नामेंट कमेटी की जानिब से विनर टीम के लिए 50,000 रुपए का नाम।
रनर अप टीम के लिए 20,000 रुपए का इनाम। बहुत ही कम वसाइल में इस टूर्नामेंट कमेटी ने इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करवाया और मैं खराज तहसीन पेश करता हूं इन नौजवानों को जिन्होंने रात दिन मेहनत की। और ये कैच आउट, एक और विकेट लेने में कामयाब हुए जीता शी जी 11 के बॉलर समा, एक और खतरनाक बैट्समैन। खेल में डिले न किया जाए, दोनों टीमों से गुजारिश के खेल में जरा फुर्ती दिखाई जाए, बैट्समैन से गुजारिश के वो बाहर आ जाए और दूसरा बैट्समैन जाए, टाइम की कमी है। मुदस्सर फ्रंट इलेवन के कप्तान जिनका ताल्लुक पाकिस्तान नेवी से है वो खुद बैटिंग के लिए आए हैं, इंतहाई खतरनाक बैट्समैन है, रीढ़ की हड्डी है ये अपनी टीम के, और उनके सामने इंतहाई खतरनाक बॉलर उसामा। एक बेहतरीन फाइनल मैच जारी मकबरा स्टेडियम दमतौर से बराए रास्त। टूर्नामेंट का बेहतरीन फाइनल मैच, शायकीन क्रिकेट की बड़ी तादाद मौजूद, आपका बेहद मशकूर है, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। हमारे ये नौजवान इन्होंने कीमती वक्त निकाला, आजकल मोबाइल की दुनिया है। मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ टूर्नामेंट कमेटी को जिन्होंने नौजवानों को मोबाइल की दुनिया से। एक बेहतरीन खेल जारी, पांचवें ओवर का खेल जारी, छठे ओवर का खेल जारी, एक बेहतरीन खेल जारी, विकेट के पीछे से मैच लाइव इस वक्त। हैदराबाद क्रिकेट के प्रमोटर के लिए लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, नो बॉल पे चौका लगाया है बैट्समैन ने, एक बेहतरीन खेल जारी, फ्री हिट छठे ओवर का खेल जारी, बकरा ग्राउंड दमतौर से बराए रास्त। आखिरी बॉल छठे ओवर की, और एक और बेहतरीन खेल दिए, रजाक फील्डर मौजूद हैं, मिस फील्ड भी दूसरा दो रन आसानी से बनाए हैं मुदस्सर अलावन ने, 105 रन मुदस्सर अलावन ने बनाए हैं, फ्रेंड्स इलेवन ने 6 ओवरों में 105 रन, 12 बॉल 36 रन तकरीबन दरकार है फ्रेंड्स इलेवन को, 12 बॉल 36 रन, क्लोज मैच है, कांटेदार टीमें थी दो, 45 टीमों में से इन दोनों टीमों ने फाइनल के लिए क्वालिफाई किया, और दोनों टीमें एक अपना नाम रख दी है, फ्रंट्स इलेवन दमतौड़ और जीता शी जी 11 दमतौड़। अफजल खान महजद मेहमान खसूसी SHO नवाशहर को पगड़ी पहनाएंगे, रवायती पगड़ी, माशाल्लाह, शुक्रिया SHO साहब, खेल और खेल। जारी, दोनों टीमों ने इंतहाई नज़्म व ज़ब्त का मुजाहरा किया, बहुत बहुत शुक्रिया दोनों टीमों का। लेफ्ट हैंडर बैट्समैन है, सेकंड लास्ट ओवर है, हवा में लहराती बॉल, एक ग्रेट कैच लिया, जीता शी जी 11। दस बॉल 35 रन, मुदस्सर और ये आउट। फ्रेंड्स इलेवन के कप्तान मुदस्सर कैच आउट हो चुके हैं, एक बेहतरीन ओवर साबित हुआ जेता शी जी 11 के लिए।
दोनों टीमों को मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ, एक बेहतरीन खेल पेश कर रही है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया शायकीन क्रिकेट को, एक बेहतरीन मैच मिल रहा है, टाइम की कमी है, मेहरबानी करके जल्द से जल्द खेल को खत्म किया जाए। नौ बॉल 35 रन। फ्रेंड्स सलामत को चाहिए जीतने के लिए, मैच जीतने के लिए। 45 टीमों ने इस टूर्नामेंट में हिस्सा लिया, शोधा एक क्रिकेट टूर्नामेंट दमतोड़। आज दो नामवर टीमें जेत आशीष जी 11 दमतोड़ और मुदस्सर 11 दमतोड़, फ्रेंड्स 11 दमतोड़ के नाम से पहचानी जाने वाली ये दो टीमें आज आमने सामने एक बेहतरीन खेल पेश कर रही है। दोनों टीमें इंतहाई खतरनाक बैट्समैन है दोनों टीमों में शामिल, बॉलर्स भी इंतहाई खतरनाक है। व्हाइट बॉल गोट चेक अंपायर, मैं खराज तहसीन पेश करता हूं अंपायर शौकत साहब और मुबशर खान को, बेहतरीन अंपायर है, उन्होंने सर अंजाम दी। बेहतरीन बॉल, मुहज्जज मेहमान खसूसी साहिबान से मेरी गुजारिश है, दोनों टीमों ने एक अच्छा खेल पेश किया, उनके लिए भी कैश इनाम होना चाहिए आपकी तरफ से, ताकि इनके हौसले और भी बुलंद हों। एक बेहतरीन खेल इन्होंने पेश किया, बस नौजवान इनमें से बेरोजगार हैं जिनका शोभा ही क्रिकेट है। एक मरतबा फिर मैं टूर्नामेंट कमेटी की जानब से कमांडर पाकिस्तान नेवी अली असर खान जदून साहब, जिनका ताल्लुक रजौिया से है, आपके बेहद मशहूर है, आपने टाइम निकाला, बीट हुए बैट्समैन, उनके साथ लेफ्टिनेंट तसवर इकबाल साहब पाकिस्तान नेवी, चीफ अनतरमान साहब पाकिस्तान नेवी, चीफ साजिद अमरोज साहब पाकिस्तान नेवी और उनके साथ एसएचओ नवशहर आमर शिजा साहब, आप भी तशरीफ लाए। व्हाइट बॉल गॉट चेक, सात बॉल 32 रन का खेल बाकी रह चुका है, बीट हुए बैट्समैन कितने, 6 बॉल 32 रन का खेल, क्रिकेट की बड़ी तादाद ग्राउंड में मौजूद और मेरे शायकीन क्रिकेट से गुजारिश करूंगा दोनों टीमों के लिए क्लैपिंग भी होनी चाहिए, एक बेहतरीन खेल पेश कर रही है, मैच अभी भी बहुत क्लोज है, सब आवाज सोसाइटी के सरपरस्त आला यासर खान जदून भी मौजूद है सर स्टेज पे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, जितने हमारे नौजवान इस स्टेडियम में मौजूद है उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। एक बेहतरीन छक्का, 5 बॉलों का खेल बाकी, एक बेहतरीन खेल, कांटेदार मैच, हमारे मुहज्जज मेहमान खसूसी साहिबान इस खेल से महफूज हो रहे हैं, माशाल्लाह एक बेहतरीन खेल जारी, माशाल्लाह खतरनाक बॉलर खतरनाक बैट्समैन आमने सामने। एक पे बारह तो चोट लगी नहीं होती है, मां बड़ी लहर कर दी है यार, आओ
कितने बाला कितने स्कोर चार बाला चार बाल सही दस ना छब्बीस रन चार बाल छब्बीस रन खतरनाक बैट्समैन खतरनाक बॉलर वाइड बॉल बाल लाइन पे रखो चक्का लगे या चौका खेल ग्राम में किसी जान नहीं छोड़नी तो गैर की तरह जबरदस्त जिनको सफा है तो माशाल्लाह वो कपड़ों में नहीं मिलते अफगान खान मोदी की तरफ से फरहान अहमद के लिए ₹500 का नाम कैच पकड़ने पर कैच जो उन्होंने लिया नाम नजर आए कितने बाला कितने स्कोर शानदार छक्का वाइड बॉल दोनों टीमों से गुजारिश तो वो इधर आ जाए दान भी होगी टाइम की कमी है भूल चाची और मुजफ्फर खान से गुजारिश टीमों के इधर में क्या है
आई लव यू गुलफर नाम का चीज आप खिलाड़ी हमारे हुजूर जी साहब आ गए ले जरा आप देखो सारे गोल का जीरो बन रहा जलाल बशीर वो ना टीम आना आपसे बशीर ओ लोई लोई रोशन का साथ टीम बता रहे हैं देखिए देखिए काशी भाई दो टीम लाइन अप हो यार गुजारिश दोनों टीमों से गुजारिश के उधर लाइनअप हो जाए काइंडली जरा जल्दी करें टाइम आपने भी दूर जाना है हमने भी जाना है ये हमारे खुसूसी साइड हमने भी जाना है टीम को साइड पे करें दोनों टीमें काइंडली दमतोड़ एक्सनाजम आप साजिद साहब से गुजारिश करूंगा कि वो ये ट्रॉफी तकसीम करें विनर टीम एक एक खिलाड़ियों का हल्का जाए जीत आशी जी नाम का आगे अपनी ट्रॉफी एक एक विनर टीम जीत आशी जी नाम के प्लेयर से गुजारिश डॉक्टर विनर साहब आप आ जाए दो चार एक एक को बेचते जाए उसामा आफा साजिद साहब बस आगे जाए डॉक्टर फिलहाल बेहतरीन खेल पेश किया उन्होंने सोमा ये रास्ता खाली कर सो पुपराओ ये जरा राह खाली कर सो एक्स नाजम हाफिज साजिद साहब जिन्होंने रजाक के लिए 1000 रुपए का नकद इनाम ऐलान किया था ये रजाक साहब उनके सामने आ रहे हैं ये ताशी जी रहमान गुड लक गुड चाशो दोनों टीमों ने बेहतरीन खेल पेश किया शुक्रिया अदा करते हैं हाफिज साजिद साहब का जिन्होंने हॉकी के मायानाज प्लेयर थे एक नाम था हॉकी का अब मैं फ्रेंड्स इलेवन की टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आए आप तशरीफ रखें थैंक यू शुक्रिया शराफत खान जदून साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि वो मेरा पीस हो ट्रॉफी पेश करें बेहतरीन खेल पेश किया इन नौजवानों ने तारीफ के मस्तक है बेस्ट ऑफ लक हमारी नेक तमन्नाएं आपके साथ है प्रोफेसर शराफत खान जदून जिनका ताल्लुक नगरपा से है आपने टाइम निकाला आपका बहुत बहुत शुक्रिया बेस्ट ऑफ लक वेरी मैन ऑफ आज के मैच मैन ऑफ द मैच रजाक ये राउंड रजाक
अरमान साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मैन ऑफ द मैच आज के मैन ऑफ द मैच बेस्ट प्लेयर होगा के बेस्ट स्कोरर मदासा फ्रांस इलेवन के कप्तान मदासा पाकिस्तान इंग्स के तालक गोल खताब साहब से गुजारिश उमर खताब साहब से गुजारिश कि वो ये ट्रॉफी पेश करें तारक साहब से गुजारिश करूंगा कि वो ये हमारे टूर्नामेंट कमेटी के जो नौजवान हमने ये वसूल करेंगे काशी लियाकत मास्टर तारक लेकर माशाल्लाह मुजम्मल मोस्ट बिगर जकूर जकूर जयपुर भाई नवाज खान से गुजारिश हम नवाज खान से माशाल्लाह आमिर खान ऑर्गेनाइज कमेटी मदसर और बिलो माशाल्लाह सुगौर है ईमानदारी के साथ अपना काम किया और सिक्सर मैं खान खान जिमुन साहब से गुजारिश करूंगा कि वो आ जाए मदसर मदसर बेहतरीन छक्के लगाए हैं ये पाकिस्तान डॉक्टर बिलाल ऑन स्टेज पर तशरीफ लाए मोस्ट सिक्सर नो गवर्नमेंट के थे ये दो मैचों के सिक्सर हैं दो मैच उन्होंने खेले हैं डॉक्टर इसके बाद लाइव रिपोर्टर हैं अकबाब ने क्रिकेट जलाल प्रमोट की जलाल भाई उनसे गुजारिश के वाकई काफी वसूल करें जलाल शुक्रिया खालिद भाई
हीरो सही जी के तले ही नजर आ गया अब्दुल्ला कहा कमेटी उनसे गुजारिश के बदले ट्रॉफी ले जाए अफ्ताब खान मोदी से गुजारिश की और ट्रॉफी उनको देंगे अफ्ताब खान मोदी अब्दुल्ला बेहतरीन टूर्नामेंट को माशाल्लाह हमारे ये सब लगे हैं खतीफ दत्तौर कारी अपीकर मान हाशमी साहब करूँ ओके हाफिज़ साजिद साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि वो हमारे मोहतरम मेहमान खुसूसी कमांडर नेवी अली असर खान जिले साहब को शीफ पेश करें जो इनको हमारी याद दिलाती रहेगी तो गुल खताब साहब से गुजारिश के वहां एस एच ओ साहब को शील पेश करें उमर खताब सर अफजान खान से गुजारिश के वो हक नवाज साहब को शील पेश करें यासर खान जुनून से गुजारिश के वो चीफ साहब को चीफ अजर सर चीफ सालर जुनेद साहब को वो शील पेश करेंगे यासर खान जुनून साहब गुजारिश करूंगा कि वो अनाकर मान साहब को शीफ पेश करेंगे चीफ अनाकर मान साहब को हामिद भी से गुजारिश के वो शराफत खान जुनू साहब को शीफ पेश करें आज के हमारे मोहतरम मेहमान खुसूसी देखना नहीं है ये उसको कर यासर अली खान सरदार सोसाइटी के डायरेक्टर साहब प्रेस से आज से गुजारिश को वो इधर आए और उमर खताब साहब को शीर्ष पेश करें यासर अली खान नायब सरपरस्ती वाला सदाबहार सोसाइटी जमदो मैं हाफिज़ साजिद साहब से गुजारिश करूंगा कि वो अफजाल खान को शीट पेश करें और उसके बाद अफजाल खान से गुजारिश करूंगा कि हाफिज़ साजिद साहब को शीट पेश करें काम की कमी है बस नीचे गिरे माशाल्लाह इसके बाद में टूर्नामेंट कमेटी के अध्यक्ष काशी खान से गुजारिश कर गया स्टेज पे आए और इस टूर्नामेंट के स्पॉन्सर जीताशी जी को वकील पेश करें
सेट हो। आपने रनर आपके कैप्टन से गुजारिश करूंगा फ्रांस जनरल मुदस्सर खान कि आप स्टेज पर तशरीफ लाएं। मैं माइक वापस साजा साहब से दूंगा कि वो कमांडर और इसके साथ आए हुए हमारे भाई पाकिस्तान नेवी के अफसरान और स्टेज पर बैठे मेरे तमाम मुअज्जज मेहमानों भाइयों और मेरे खिलाड़ियों और मेरे अफसर और खुसूस टूर्नामेंट क्रिकेट कमेटी सबको अस्सलाम वालेकुम। इसके बाद मैं इंतहाई शुक्र गुजार हूँ अपने मुअज्जज मेहमान का जिन्होंने इतना कीमती टाइम हमें दिया और इस हमारे गांव को रौनक बख्शी। ये मेहमान हमारे वो मेहमान है जिनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। ये रातों को जागते हैं और हम सोते हैं, इनकी मिसाल ये है। ये सरहदों की हिफाजत करने वाले लोग हैं। मैं इनको अपनी तरफ से और अपने गांव की तरफ से इंतहाई खुशामदीद कहता हूँ और इंतहाई खुशामदीद इनका। ये वो लोग हैं जो अपनी जानों की नजराने पेश करते हैं, हमें अपनी जानों की परवाह नहीं करते और हमारे लिए अपनी जिंदगियों को हथेलियों पर रख के दुश्मन के सामने शीशा पलाई हुई दीवार बन जाते हैं और जिसकी वजह से ये पाकिस्तान अल्लाह के फजल से कायम दायम है। हम इनके इंतहाई मशहूर हैं। जो भी हमारे भाई यहाँ पर आए, जो भी हमारे सचिव साहब हैं, ये दिन को ड्यूटी रात को ड्यूटी इस कौम की खिदमत करते हैं, मैं उनको भी खुशामदीद कहता हूँ। और खुशूस मैं अपने ये हमारे जो जिन्होंने टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया इनका जितना भी शुक्र अदा करूं, खुदा का कसम के मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं इन भाइयों का जिन्होंने इतने महदूद वसाइल में रहकर इतना अच्छा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया उनको इंतहाई देता हूँ। उनके लिए मेरे पास अप्रिशिएट करता हूँ उनको कि उन्होंने ये काम हमारे करने का था जिन भाइयों ने किया, इन्होंने हमारे ऊपर एहसान किया, इस ग्राउंड को आबाद किया। मैं इसी ग्राउंड से ऊपर गया, इसी ग्राउंड से मैंने नेशनल लेवल की हॉकी खेली, कॉलेज लेवल की खेली, यूनिवर्सिटी लेवल की खेली, यूनिवर्सिटी चैंपियन हूँ। शायद आपके किसी भाई को पता नहीं हो मैं भी थोड़े टाइम के लिए फौजी रहा हूँ 2-3 महीने इंटर सेंटर में और कहने का मकसद ये है कि यही ग्राउंड थी जिससे मैं खेल के आज मुझे बड़ी खुशी हुई। खुसूसन में दोनों टीमों को बहुत अच्छी दाद देता हूँ, उन्होंने आपस में मिलजुल कर एक अच्छा टूर्नामेंट दिया, लड़कों को मतलब एक अच्छा क्रिकेट खेलने को मिला, देखने को मिला। मैं सबको मुबारकबाद देता हूँ। जो हार गए हैं उनके लिए कोई ऐसी बात नहीं, मैं भी 100 दफा हारा था फिर भी जीता था, फिर हारा था फिर जीता था। ये एक इमरान खान की बात है, जो हारता है वो कभी ये कहे कि मैं खिलाड़ी हूँ वो खिलाड़ी नहीं है, वो हौसला करे शो करके अगला टूर्नामेंट जीतेगा। कहने का मकसद ये है कि अपनी तरफ से ये इन्होंने जो फाइनल सेरेमनी की है, खुसूसन जिस बंदे ने भी इतनी अच्छे जहन इस्तेमाल किया, अच्छी लोगों की हौसला अफजाई की, तो मैं खुसूसन फिर उन लोगों के लिए अच्छे अल्फाज, वरना में पता नहीं क्या कुछ ऐसे खामोश रह जाता। पर ये इन्होंने अच्छा टूर्नामेंट, अच्छी ट्रॉफी, इतनी बड़ी ट्रॉफी मैंने कभी इतने बड़े टूर्नामेंटों में नहीं देखी। हमारे वक्तों में इतनी अच्छी अच्छी ट्रॉफी नहीं होती थी। अभी ये टूर्नामेंट वाले खुशनसीब है, जो जीतने वाली टीम खुशनसीब है उसका कैप्टन, उसकी क्या कहते हैं उनके जो कोच मैनेजर है वो बड़े खुशनसीब है। इस तरह की हौसला अफजाइयाँ हमारे टाइम पर बहुत कम होया करती थी। भाई अभी भी ये जो पोजीशन है इस पर खुश होके ग्राउंडों को बात करें, इस शहर को बात करें, इस टूर्नामेंट को जिन लोगों ने ऑर्गेनाइज किया मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ और अपनी तरफ से टूर्नामेंट कमेटी के लिए 10,000 रुपए का ऐलान करता हूँ। जो टीम जीती है उसके लिए 5,000 रुपए का, जो हारी है उसके लिए 5,000 रुपए कैश प्राइज का ऐलान करता हूँ। ये बहुत अच्छा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया, ऐसा भी जब मुझे कई मौका मिला तो जरूरी नहीं है तो मुझे आप फाइनल में बुलाएं, नेक्स्ट में भी जब भी मुझे बुलाएं कि मैं इंशाल्लाह। आप सबको शुक्रिया कि मुझे यहाँ मौका दिया बोलने का भी और कमांडर साहब के साथ विचार से बात गुजारने का मौका दिया, शुक्रिया। ये हमारे नेक्स्ट नाज़िम हाफ़िज़ साजिद साहब दिल के शहंशाह हैं, तबीयत के भी शहंशाह हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं माइक हवाले करता हूँ आज का हमारे मेहमान खसूसी कमांडर
अलिया सर खान जदुल साइड से। सबसे पहले तो मैं मैनेजिंग कमेटी का बेहद मशहूर हूँ, पहले मलाका का, इस गाँव के तमाम मौजूदीन का, जिन्होंने ये खूबसूरत टूर्नामेंट मुनक़द कराया और मुझे खसूसी तौर पर डिफेंस हल्से से पाकिस्तान नेवी स्टेशन कमांडर पाकिस्तान नेवी अफ्तबाद को यहाँ मौजूद किया और इस टूर्नामेंट की नस्बत हमारे साथ और भी बहुत ज़्यादा बन जाती है कि जैसे कि आपने इसका नाम शुहादा के नाम से ये टूर्नामेंट कराया, इस पर मैं सबको मुबारकबाद देता हूँ। शहीदों का खून है कि जिसके लिए आज हम जो है ये जो आज़ादियाँ मना रहे हैं, ये जो टूर्नामेंट कर रहे हैं, हाँ जी, जो आज हम अपनी अजानें, अपनी नमाजें और अपने आज़ाद फिजाओं में जो जिंदा है, ये शहीदों का खून है। इसके पीछे बहुत सारे शुहादा की कुर्बानियाँ हैं और इन शाला ये कुर्बानियाँ आगे भी चलती रहेंगी इन शाला सरहदों पर और मुल्क के अंदर और बाहर इसी तरह अपनी कुर्बानियाँ देते रहेंगे और इन शाला ये हमारे पाकिस्तान और आवाम और इन शाला मीठी नींद सोते रहेंगे। मैं फिर मुबारकबाद दूंगा कि जो खूबसूरत टूर्नामेंट आपने मुनक़द किया और जीतने वाली टीम को भी मुबारकबाद दूंगा कि बहुत अच्छा कंपटीशन मैंने देखा और जिस तरह आपने बताया कि 40 के करीब टीमें आई इस टूर्नामेंट में ही, क्योंकि यह इलाके के लिए बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है। अगर आप अपने नौजवानों को ग्राउंड्स में रखेंगे तो बहुत सारी बिदात से, बहुत सारी गलत एक्टिविटी से बचते रहेंगे। लेकिन सर कहते हैं ना कि जी अगर आप अपने ग्राउंड्स को आबाद रखेंगे तो अस्पतालें वीरान रहेंगी, अगर आप अपने जो है जी ग्राउंड्स को वीरान रखेंगे तो अस्पतालें आबाद रहेंगी और इसी तरीके से अगर नौजवान जो है स्पोर्ट्स एक्टिविटी करते रहेंगे, स्पोर्ट्स एक्टिविटी, तो उनके अंदर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट पैदा होगी। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो है वो एक जनता सिखाती है, एक टीम से टीम के साथ डंडा सिखाती है, इत्तेहाद एक दूसरे के साथ मिल बैठना सिखाती है और इसके साथ साथ ये है कि एक सेहतमंदाना एक्टिविटीज है, जितनी भी स्पोर्ट्स है उससे जो है जवानों के अंदर जो है एक नई रूह बेदार होती है और वो माशरे का एक अच्छा शहरी बन के आगे निकलते हैं। तो मैं जितने वाली टीम को और इसी तरह तमाम टीमों को मुबारकबाद पेश करता हूँ कमेटी के वाकई में काबिल सताइश और काबिल तारीफ जो है ये काम है उनका और हमेशा मैं चाहूँगा कि ये टूर्नामेंट जो है इस इलाके में मुनक़द होते रहे और इसी नस्बत से मैं क्योंकि यहाँ पे ऑफिसर इंचार्ज और रिक्रूटमेंट सेक्शन सेंटर का भी, तो मैं सारे यहाँ के जो जवानों को दावत भी दूंगा कि वो जरूर पाकिस्तान नेवी में शमूलियत अख्तियार करें। हम इंशाल्लाह उनके साथ पूरा तावन करेंगे और चूंकि मेरा भी ताल्लुक इस इलाके से है तो हम ये चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा नौजवान जो है वो हमारे साथ नेवी में भर्ती होने के लिए आए। पूरी कोशिश होगी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम जो है यहाँ से भर्ती करते हैं। बिल्कुल तुम दौड़ वालों के लिए खुश रहे आप इसी तरह जो है नामे वाला जिस तरह क्या साहब ने ऐलान किया, क्योंकि हम तो भी वो सियासी ऐलान तो नहीं कर सकते लेकिन कम अज कम 10,000 रुपया में लोजर कमेटी को और 5,000 रुपया में टीमों को जो बहुत बहुत शुक्रिया हमें इन्वाइट करने का, बहुत बहुत शुक्रिया आफस राजे साहब की जानों से फरहान अहमद के लिए 5 बजे है नाम, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग बढ़ूंगा जैसे सर ने अभी फरमाया कि जिस इलाके में जिस कौमों के ग्राउंड अभाव होते हैं वहाँ के अस्पताल गिरा होते हैं, तो मैं ज़्यादा तौर पर कुछ दिन पहले जब ऑर्गेनाइजिंग कमेटी से जब मिला तो उनसे मैंने ये बात की कि आप लोग एक अच्छे काम कर रहे हैं बच्चों को, आज सिचुएशन ये है हमारे दौर में जब हम छोटे को करते थे जो बच्चे गलियों में घूमा करते थे ग्राउंड में ज़्यादा ग्राउंड करते थे तो
उनको कहा जाता था ये जो थोड़े आवारा हैं उनमें से मतलब अब ऐसे टाइम आ गया है जो बच्चे ग्राउंड में वो ठीक है, जो घरों में सारा दिन मोबाइल देके बैठे हुए हैं वो ठीक नहीं है। तो ग्राउंड को आबाद रखे इसी तरह आपको मुबारकबाद, आपको हम मुबारकबाद देते हैं इससे अच्छे टूर्नामेंट करने को। और एक ऑर्गेनाइजिंग कमेटी जो है टीम के लिए तो शायद मैं कुछ अनाउंस ना कर सकूँ, लेकिन मैं ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के लिए 5,000 रुपीज के ऐलान कर कमी की वजह से मेरा नाम आपके कप्तान होता सर और मैं ऐसा जो साहब से गुजारिश करूंगा कि वो ये कार्ड चेक कार्ड रनर अप टीम को दें। उमर खताब साहब रिक्वेस्ट करूंगा कि वरुण रन अप टीम के कप्तान योताशी जी राम के और बच्चे 50,000 रुपए का गिफ्ट सर अली असर खान को सर तुम्हारे हिसाब से गुजारिश करूंगा टीमा ना रिपोर्ट चेक उसामा हाथ करिए जानबाज और कुरान मजीद वो तो नहीं ला सकते उनके लिए नाम या सामान के लिए रो फोटो जय शुक्रिया अदा करता हूँ सभी मुहसिन मेहमानों का जिला कीमती वक्त निकाला आपका बहुत बहुत शुक्रिया समुदाय की तरफ से ग्रुप फोटो विनर और विनर समय कमांडर पाकिस्तान नेवी चीफ साहब सापेक नादम दमदौड़ शराफत खान चकमक साहब एसएचओ नवाशहर
अकनवाज खान जुनून साहब, तारक खान जुनून साहब, उमर खतान जुनून साहब, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने जीता है। कुरान मजीद है ना, ठीक है मुदस्सर, ठीक वो ना ना वो ठीक है वो इस तरह सामा आप करिए जाबाज और कुरान पर सरप्रस्त है सरबार सोसाइटी शुक्रिया सामा कुरान थोड़ा अधिक से कमांडर साहब से जबास और कुरान पर सामा उधर चले चलो वसूल करते होंगे सामा टूर्नामेंट कमेटी राजा सिंह देश का उन्होंने टूर्नामेंट कामयाब टूर्नामेंट पास कराया 45 की टूर्नामेंट के बगैर न जाए तमाम सदाबहार सोसाइटी और सब हजरात से बहुत बहुत शुक्रिया जान बाजो बहुत बहुत शुक्रिया गोल चाची को आगे मैदान बेच ऐलान कर छोड़ो ने दोनों टीमों की रिफ्रेशमेंट इधर ही आगे यस आजा आजा भंगड़ा जी आजा बहुत बहुत शुक्रिया हेलो हमारे आपने टाइम दिया जितने भी हमारे मुअज्जज मेहमान तशरीफ लाए आपका बहुत बहुत शुक्रिया हम आपके दिल मार जिंदगी भर नहीं भूलेंगे आपका बहुत बहुत शुक्रिया चलो भाई चलो भंगड़े ले स्टार्ट हो जाओ स्टार्ट कितने आओ मेरा उतनी चलो 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 भाई चलो नचने दे यार अल नाले नचना एक कार्ड मेरा तले सट चोट एक कार्ड।